नमस्कार, वेलकम टू भूगोल साला। मैं हूँ पूनम यादव। तो आज की क्लास में हम लानीना और अलनीनो क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। अलनीनो और लानीनो के बारे में जानने से पहले हम वायुदाब पेटियों के बारे में जानेंगे। ग्लोब पर जब हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश के बारे में सबसे पहले देखते हैं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही सेम अक्षांश 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ। ये क्या है? वायुदाब पेटियां हैं। निम्न दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और 90 डिग्री नॉर्थ ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च, उपध्रुवीय उच्च और 90 डिग्री साउथ यानी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इस प्रकार से 7 वायुदाब पेटियां मिलती हैं और इन 7 वायुदाब पेटियों में अंतर के कारण से यानी दबाव के अंतर के कारण से यहाँ पर हवाओं की उत्पत्ति होती है। ये जो क्षेत्र हैं बीच वाले, इनके अंदर हवाएं चलती हैं तो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर संचरित होती हैं। तो इसी प्रकार से ध्रुवों से जो हवाएं आती हैं वो कहाँ आती हैं? उपध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ आती हैं, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है पूर्वा हवाएं या फिर ध्रुवीय हवाएं। इसके बाद यहाँ है हाई प्रेशर यानी उच्च दाब है उपोष्ण कटिबंध पर, तो ये हवाएं जाती हैं ऊपर की तरफ यानी उपध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ और वो ये क्षेत्र कहलाता है पछुआ का क्षेत्र। यहाँ पर पछुआ हवाएं संचारित होती हैं, पछुआ हवाएं यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर है उच्च वायुदाब यानी हाई प्रेशर से 0 डिग्री भूमध्य रेखा की ओर हवाएं आती हैं, उनको कहा जाता है व्यापारिक हवाएं। यहाँ पर हाई प्रेशर जिसके कारण से हवाएं उपध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है पछुआ, पछुआ का क्षेत्र। ये ऊपर वाला व्यापारिक का क्षेत्र और ध्रुवों से कहाँ जाती हैं? उपध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ हवाएं जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है ध्रुवीय हवाओं का क्षेत्र या फिर पूर्वा हवाओं का क्षेत्र, ठीक है। इस प्रकार से पवनों की उत्पत्ति होती है और पवन के कारण से ही जिस प्रकार से पवनें गति करती हैं उन पवनों के साथ ही, उन पवनों के वेग के साथ में ही महासागरों का जल है वो भी संचारित होता है, वो भी चलता है। तो किस प्रकार से चलता है? पूरे ग्लोब पर इस प्रकार से पवनें संचारित होती हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण घटना है अलनीनो और लानीनो। सबसे पहले आप एक बात जान लो कि अलनीनो की जो घटना है उसके कारण से भारतीय मानसून पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, अर्थात मानसून है वो कमजोर हो जाता है। सबसे पहले अलनीनो की विशेषताएं आप यहाँ पर पढ़ लो। अलनीनो की कंडीशन जब बनती है तब क्या क्या होता है? अलनीनो की घटना जब घटित होती है तो सबसे पहले व्यापारिक जो हवाएं हैं उनका क्षेत्र है वो कमजोर पड़ जाता है, यानी व्यापारिक हवाएं हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। इसके साथ ही वाकर कोशिका है वो उलट जाती है। प्रशांत महासागर के तापमान है वो बढ़ जाते हैं,
और गर्म जल की प्राप्ति होती है, अर्थात धाराएं चलती हैं, गर्म धारा की उत्पत्ति होती है, जिसको कहा जाता है अल नीनो धारा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो नोट करने वाली है कि अल नीनो की स्थिति जब पैदा होती है तब भारतीय मानसून कमजोर पड़ता है। ठीक है, इसके साथ में ही दूसरी घटना बताई है लानीना घटना। ये कैसी है? ये पर्यावरण अनुकूलित कंडीशन है, यानी इसमें भारतीय मानसून है वो प्रभावी रहता है, शक्तिशाली बनता है जब लानीना की घटना घटित होती है, और अलनीनो की स्थिति में मानसून कमजोर पड़ जाता है। अलनीनो किस प्रकार से उत्पन्न होता है? तो देखो, प्रशांत महासागर के अंदर, यहाँ देखिए, ये है पूर्वी प्रशांत, ऑस्ट्रेलिया, ये कंप्लीट प्रशांत महासागर का मैप है। यहाँ देखिए, सामान्य जो घटना होती है, सामान्य जो स्थिति होती है, उसमें क्या होता है कि यहाँ व्यापारिक हवाओं की उत्पत्ति है, व्यापारिक हवाओं के संचरण के कारण से ही, व्यापारिक पवनों के साथ साथ में ही प्रशांत महासागर का जो जल है वो पूर्व से पश्चिम की ओर संचारित होता है, इस प्रकार से चलता है। ये उत्तरी ध्रुव का, और दक्षिणी ध्रुव का जल है वो भी भूमध्य रेखा के सहारे गर्म अधिक होता है, इसी के कारण से वो पश्चिम की ओर चलता है। क्यों? क्योंकि व्यापारिक हवाएं हैं वो इसे पश्चिम की तरफ लेकर जाती हैं। अब ऐसी कंडीशन में जब पेरू तट, ये स्थान जो है इसे कहा जाता है पेरू तट, अब यहाँ पर एक विशेष घटना घटित होती है, व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण से यहाँ व्यापारिक हवाएं हैं जो दक्षिणी प्रशांत विषुवतरेखीय धारा है उसका जल है वो पश्चिम की तरफ लेकर जाती है, इसी के कारण से सतह का जो जल है वो पश्चिम की तरफ चला जाता है, और जो गहराई वाला जो पानी है जो कि ठंडा है उसकी सतह पर प्राप्ति होती है। ठीक है, क्षतिपूर्ति के रूप में सतह पर ठंडे जल की प्राप्ति होती है, और उसी धारा को कहा जाता है पेरू धारा। तो पेरू धारा कैसी है? ठंडी धारा है, जबकि इसके साथ में ही दक्षिणी प्रशांत विषुवत रेखीय जो धारा है वो एक गर्म दल धारा है। अब क्या होता है कि लगातार जो तापमान है वो समान रहते हैं, उसके बाद में 7 या 14 वर्ष की घटना के बाद में सामान्य जैसा जब होती है तो दक्षिणी प्रशांत विषुवत रेखीय जो व्यापारिक पवने हैं उनके प्रभाव के कारण से जल पश्चिम की तरफ जाता है गर्म जल, और सतह पर पेरू जल धारा का प्राप्ति होती है। पेरू जल धारा की प्राप्ति होने के बाद में सामान्य जो दशा है, पेरू तट पर वर्षा नहीं होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर की प्राप्ति होती है। ठीक है, पेरू के तट पर, और इसी के पास में अटाकामा डेजर्ट भी मिलता है क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। अब प्रशांत महासागर का जल है वो 7 से 14 वर्ष की अवधि के दौरान एक बार, एक साल के लिए एक घटना घटित होती है जिसे कहा जाता है अलनीनो, यानी विपरीत जलधारा का निर्माण होता है। कौन सी विपरीत जलधारा का? जहाँ पर दक्षिणी प्रशांत विषुवत रेखीय जलधारा आ रही है वहीं पर इस प्रकार से एक जो गर्म जल है वो पूर्वी प्रशांत की तरफ जाता है, और इसी जलधारा को क्या कहा जाता है? अलनीनो कहा जाता है। ये घटना क्यों घटित होती है? क्योंकि प्रशांत महासागर के तापमान है वो बढ़ जाते हैं, और तापमान बढ़ने के कारण से यहाँ का जल है वो अधिक गर्म हो जाता है, और वो गर्म जल कहाँ जाता है? वापस से वो पेरू तट की तरफ
जाता है। इसी के कारण से पेरू तट पर जो जल था, शीत जल जो हमें प्राप्त हो रहा था, अब वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। वहाँ पर अलनीनो धारा का प्रवाह हो रहा है और इसी के कारण से क्या होता है, पेरू तट पर वर्षा होती है तथा भारतीय मानसून कमजोर पड़ती है। तो भारतीय मानसून किस प्रकार से कमजोर पड़ेगी, क्योंकि हिंद महासागर में तापमान की प्राप्ति है वो अधिक होगी और इसी के कारण से हिंद महासागर के अंदर लो प्रेशर बन जाएगा, बजाय कि भारतीय स्थल भाग के, भारतीय स्थल भाग में लो प्रेशर होता है और हिंद महासागर में जब हाई प्रेशर होता है तब मानसून हवाएं हैं वो तीव्र रूप से भारतीय क्षेत्र में, भारतीय स्थल के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। लेकिन जब प्रशांत महासागर के अंदर तापमान अधिक होते हैं उसी के कारण से जो हवाएं हैं वो प्रशांत महासागर की तरफ जाती हैं, क्योंकि वहां पर लो प्रेशर होता है और हिंद महासागर का जल है वो दक्षिण की तरफ जाता है और प्रशांत महासागर की तरफ जाता है। तो हवाएं किस तरफ खींचती हैं, पेरू तट की तरफ खींचती हैं और बारिश पेरू तट पर होती है। मानसून शक्तिशाली नहीं होता है, भारतीय मानसून बहुत कमजोर पड़ जाता है। तो आगे देखते हैं, लानीना की पोजीशन में क्या होता है और अलनीनो की स्थिति में क्या होता है। तो लानीना की कंडीशन जब क्रिएट होती है तब जो पोलर जेट स्ट्रीम है वो प्रभावी रहते हैं, कहाँ, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के ऊपर, जिसके कारण से प्रचुर मात्रा में वर्षा की प्राप्ति होती है। इसी घटना को कहा जाता है लानीना। और अलनीनो, अभी मैंने आपको बताया कि अलनीनो धारा जो पेरू तट पर उत्पन्न होती है उसी के कारण से, अलनीनो धारा के कारण से शुष्क मौसम की प्राप्ति होती है और भारतीय मानसून कमजोर पड़ता है। आप देखिए डायग्राम के अंदर अलनीनो और लानिनो के प्रभाव के कारण से भारतीय मानसून पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले देखिए कि नॉर्मल कंडीशन जब होती है तब पेरू तट, यहाँ पर पेरू तट के पास शीत जल का उद्वेलन होता है, यानी सतह पर ठंडे जल की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण से जो प्रशांत महासागर का जल है वो पश्चिम की तरफ जाता है और कहाँ इकट्ठा होता है, ऑस्ट्रेलिया तट के पास में इकट्ठा होता है और उसके बाद ये जल है वो हिंद महासागर की ओर जाता है। इसी के कारण से हिंद महासागर के अंदर दाब अधिक बढ़ने के कारण से भारतीय मानसून शक्तिशाली होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में इस प्रकार की घटना घटित होती है, लेकिन इसके विपरीत जब अलनीनो आता है तब पश्चिमी प्रशांत की अपेक्षा पूर्वी प्रशांत पर जल धारा है वो लौटती है और पश्चिमी जो पूर्वी प्रशांत पर तापमान अधिक होते हैं, इसी के कारण से यहाँ पर लो प्रेशर बनता है और सारी हवाएं खिंच करके लो प्रेशर की ओर आती हैं और पेरू तट पर वर्षा होती है। इसी के विपरीत यहाँ पर अधगर्म जल इकट्ठा होने के कारण से हाई प्रेशर बन रहा था, यानी उच्च दाब बन रहा था ऑस्ट्रेलिया की तरफ, वो अब क्या है, लो प्रेशर बन रहा है। ठीक है, अब ये सामान्य स्थिति में मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑस्ट्रेलिया के तट पर लो प्रेशर होता है तभी ये हवाएं हैं इस तरफ खिंचकर आती हैं और यहाँ पर हाई प्रेशर बढ़ जाने के कारण से हिंद महासागर की ओर इस जल का संचरण होता है। इसी के कारण से लगातार मानसून हवाओं की उत्पत्ति होती है। जब लानीना की कंडीशन क्रिएट होती है तब मानसून और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि पश्चिमी जो प्रशांत है वहाँ पर गर्म जल की प्राप्ति अधिक होती है और गर्म जल की प्राप्ति होने के कारण से ऑस्ट्रेलिया तट पर जल इकट्ठा होता है और फिर वो हिंद महासागर में प्रवेश करता है।
और इसी के कारण से सीधा फिर वो भारतीय मानसून पर प्रभाव डालता है। अब देखिए अलनीनो और लानिनो में क्या अंतर है। तो अलनीनो की घटना सबसे पहले पेरू तट के मछुआरों ने इसकी खोज की थी। पेरू तट पर सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने के रूप में अलनीनो की घटना को जाना जाता है। तो अलनीनो एक समुद्री जलधारा है जो प्रशांत महासागर के गर्म होने के कारण से पश्चिम से पूर्व की ओर संचारित होती है। स्पेन वासियों ने अलनीनो को स्पेनिश भाषा में छोटा लड़का कहकर संबोधित किया है, यानी भगवान जीसस का छोटा लड़का कहकर अलनीनो को संबोधित किया है। जल्द ही अलनीनो का उपयोग तटीय सतह के जल के गर्म होने के बजाय अनियमित और तीव्र जलवायु परिवर्तन का वर्णन करने के लिए किया जाने लगा है। अलनीनो की घटना एक नियमित चक्र नहीं है, यह एक समय अवधि के दौरान ही घटित होने वाली घटना है, यानी 7 से 14 वर्ष के बीच में एक बार ये घटना घटित होती है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अलनीनो की घटना दक्षिणी दोलन के साथ ही होती है। उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन को अलनीनो घटना कहते हैं। जब पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है उसमें तटीय जल गर्म हो जाता है और समुद्र के ऊपर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ठीक है। समुद्र के ऊपर वायुमंडलीय दाब जब कम हो जाता है यानी पेरू तट पर, और वहाँ पर तापमान कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, इसी के कारण से ये घटना घटित होती है जिसको अलनीनो के नाम से जाना जाता है। अगला है लानिना। तो स्पेनिश भाषा में लानिना का अर्थ होता है छोटी लड़की। इसे कभी कभी अलवियेखो, एंटी अलनीनो या फिर शीत घटना के नाम से भी जाना जाता है, शीत घटना के रूप से जाना जाता है। इसके विपरीत अलनीनो को गर्म घटना के नाम से जाना जाता है। गर्म घटना से तात्पर्य है कि अलनीनो एक गर्म जलधारा के रूप में ही प्रवाहित होती है, इसके कारण इसे गर्म घटना कहा जाता है। और लानिना की कंडीशन जब क्रिएट होती है तो शीत घटना के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो लानिना घटनाएं पूर्वी मध्य विषुवत रेखीय प्रशांत महासागर के क्षेत्र पर औसत समुद्री सतह के तापमान से निम्न तापमान की द्योतक है। इसमें समुद्र की सतह के तापमान में कम से कम 5 क्रमिक त्रिमासिक अवधि में 0.9 डिग्री फारेनहाइट से अधिक की कमी द्वारा दर्शाया गया है, अर्थात पेरू तट पर तापमान की प्राप्ति है वो बहुत ही कम होती है। इसी के कारण से यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। जब पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जल का तापमान सामान्य की तुलना में कम हो जाता है और लानिना की घटना देखी जाती है, इसके परिणाम स्वरूप पूर्वी विषुवत रेखीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में एक उच्च दाब की स्थिति बनती है, ठीक है। और उसी उच्च दाब के कारण से पेरू तट पर अत्यधिक सूखा पड़ता है, वर्षा की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होती है और अटाकामा डेजर्ट में अत्यधिक सूखे की संभावना देखने को मिलती है। अलनीनो व लानिनो एक जटिल मौसम का एक पैटर्न है जो विषुवत रेखीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में समुद्र के तापमान में भिन्नता के कारण से घटित होते हैं, यानी प्रशांत महासागर के जल में जो तापमान में अंतर पाया जाता है उसी के कारण से अलनीनो और लानिनो दोनों घटनाएं संबंधित हैं। अलनीनो घटना के अंदर प्रशांत महासागर का जो जल है वो पूर्व में अधिक हो जाता है और लानिना की स्थिति में अधिक ठंडा हो जाता है। ये अलनीनो दक्षिणी दोलन चक्र की विपरीत अवस्थाएं होती हैं। अब इंसो चक्र क्या होता है? अलनीनो और साउदर्न ऑसिलेशन को सम्मिलित रूप से इंसो घटना कहा जाता है। इसमें क्या होता है, पूर्वी मध्य विषुवत रेखीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में यानी पेरू तट पे, ठीक है, पेरू तट को हम पकड़ के चलते हैं। पेरू तट में महासागर और वायुमंडल के मध्य तापमान में उतार चढ़ाव को दर्शाता है। तो अलनीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से
तापन की स्थिति को दर्शाता है, यानी अलनीनो की कंडीशन जब आती है तब गर्म जल धारा की उत्पत्ति होती है और वो जल पूर्व की ओर संचारित होता है यानी पेरू तट की ओर चलता है, इसे ही अलनीनो कहा जाता है। अलनीनो दक्षिणी दोलन घटना उष्ण अवस्था है और घटना लानीना की तुलना में अधिक बार होती है। लानीना क्या होती है? इंसो की शीत अवस्था है। यह पैटर्न पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के असामान्य शीतलन को दर्शाती है। तो लानीना की घटना जब क्रिएट होती है तब शीत अवस्था क्रिएट होती है और जब अलनीनो की पोजीशन बनती है तब उष्णकटिबंधीय जो जल है उसका तापमान और भी अधिक हो जाता है और उस घटना को कहा जाता है उष्ण अवस्था। ठीक है, अलनीनो की घटना जो आमतौर पर एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं रहती है, इसके विपरीत लानीना की घटना एक वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक कंटिन्यू बनी रह सकती है। दोनों घटनाएं उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के समय चरम पर होती है। ठीक है, सर्दियों के समय ही बढ़ते हैं ये तापमान। देखिए, जो उत्तरी गोलार्ध में जो जल है वो सर्वाधिक गर्म होता है, उत्तरी गोलार्ध में जो जल है वो सर्वाधिक गर्म होता है। क्यों? क्योंकि सर्दियों के समय महासागर है वो अधिक तापमान रखते हैं। अब अलनीनो से या लानीनो से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला है, अलनीनो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अलनीनो स्पेनिश जो शब्द है द बॉय चाइल्ड के रूप में अनुवादित है, यानी इसको जाना जाता है लड़का बच्चा के रूप में, सही है। पेरू तट के जो मछुआरे हैं इन्होंने सबसे पहले क्रिसमस के आसपास दक्षिणी अमेरिकी तट के दूर गर्म महासागर में उपस्थिति का वर्णन करने के लिए उपयोग किया था। तो पेरू तट के मछुआरों ने सबसे पहले अलनीनो के बारे में बताया था, सही है। मध्य और पूर्वी महासागर प्रशांत महासागर के गर्म होने का वर्णन करने के लिए आमतौर पर स्वीकृत शब्द है अलनीनो, सही है, क्योंकि अलनीनो की एक महासागरीय धारा ही है जो पेरू तट पर प्राप्त होती है दिसंबर में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लानीना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका नाम स्पेनिश शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है लड़की बच्चा, सही है। यह अलनीनो के विपरीत इंसो चरण है, सही है, अलनीनो के विपरीत कंडीशन है ये लानीना वाली। तो इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलनीनो की घटना से प्रभावित नहीं होता है? कौन सी फसल है जो अलनीनो की घटना जब घटित होती है तब वो फसल है वो प्रभावित नहीं होती है? धान, मक्का, कैस्टर, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दक्षिणी दोलन अलनीनो और लानीनो के साथ क्यों जुड़ा हुआ है? अब ये दोलन क्या होता है? दोलन का अर्थ होता है कि जो महासागरीय जल है उसका दक्षिण की ओर गमन होना, साउदर्न ओसिलेशन कहलाता है, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव पूरी तरह से आवधिक होते हैं, या फिर क्योंकि इसके उतार चढ़ाव पूरी तरह से आवधिक नहीं होते हैं, यानी चेंजेज आते रहते हैं, क्योंकि वे जलवायु पैरामीटर में नियमित चक्र में रूप में बार बार आते हैं। ठीक है, क्योंकि यह इंसो का ठंडा चरण है जिसमें पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान औसत से कम और हवा का दबाव पूर्व में उच्च और पश्चिम में कम होता है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लानीना के प्रभाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इक्वेडोर और पेरू में सूखा पड़ता है, सही बात है, पेरू तट पर सूखा पड़ता है, पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में कम तापमान होते हैं लानीना के समय, सही बात है, और उच्च दाब की स्थिति बनती है,
ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़ आती है। पश्चिमी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, तटवर्ती सोमालिया में उच्च तापमान और भारत में अच्छी बारिश होती है, यानी मानसून शक्तिशाली होता है। क्लास के फर्स्ट में आपको ये बताया था कि लानिना की घटना से मानसून शक्तिशाली होता है और अलनीनो की घटना से भारतीय मानसून कमजोर पड़ता है। तो इसके इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर दोनों, यानी ये कथन दोनों सही हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला और दूसरा दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी घटना है? तो ठंडी घटना कौन सी है? अलनीनो, ये तो गर्म अवस्था को दर्शाता है, गर्म घटना है, यानी अलनीनो एक गर्म जल धारा है, और लानिनो की घटना घटित होती है तो उसे ठंडी घटना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी जो प्रशांत है वहाँ का शीत जल का उद्वेलन अधिक होता है और यहाँ पर ठंडी तापमान प्राप्त होता है, ये ठंडी घटना के रूप से जाना जाता है। तो इसी के साथ है वीडियो का एंड। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी, लानिना अलनीना के बारे में पता चला होगा, भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।